नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर न्यूज 24/7। आपको बता दें कि कांग्रेस के झूठे आरोपों के बारे में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश प्रवक्ता श्री विनोद ठाकुर जी ने कहा कि कांग्रेस को भाजपा के ईमानदार नेताओं पर किसी भी तरह का आरोप लगाने का नैतिक अधिकार नहीं है। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। कांग्रेस के नेताओं को भारतीय जनता पार्टी के नैतिकता पे, उनकी ईमानदारी पे किसी भी तरह का आरोप लगाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। वो पार्टी जो आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, जिसके नेता बेल में हैं या जेल में हैं या तैयारी में हैं, वो ये बात आज कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनकी ईमानदारी की पूरे देश में चर्चा है, उनसे इस प्रकार की बात करना, नैतिकता का कोई भी इस प्रकार का समर्थन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नैतिकता के आधार पर, हमारे पूर्व में अध्यक्ष श्री राजीव बिंदल जी ने, डॉक्टर राजीव बिंदल जी ने अपना इस्तीफा दिया, और मैं ये मांग करता हूं कि कांग्रेस के नेता भी नैतिकता दिखाएं और उनके समय में जो भ्रष्टाचार हुए हैं उनको ओन करें और उसके ऊपर अपने इस्तीफे पेश करें। मैं बताना चाहता हूं कि कांग्रेस की जब सरकार थी तो कौन सा ऐसा महकमा था जिसके अंदर भ्रष्टाचार नहीं हुआ। आप महकमा आईपीएच ले लीजिए, आप यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ले लीजिए, आप रेवेन्यू ले लीजिए, जो भी महकमा जिसकी भी बात करें, वो उसके अंदर भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा हुई कांग्रेस के पिछले रजीम में। मैं ये मांग करता हूँ, भारतीय जनता ये पार्टी ये मांग करती है कि कांग्रेस के नेता उस भ्रष्टाचार के बारे में अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।